दोस्तों ये है 2024 की मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI मॉडल। सबसे वैल्यू फॉर मनी और सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है ये। ये सेकंड बेस मॉडल है, इसके नीचे LXI आ जाता है और ऊपर देखेंगे तो VXI ऑप्शनल, ZXI और ZXI प्लस, टोटल चार मॉडल मिल जाते हैं। लेकिन ये वाला जो मॉडल है ना, इसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को ख़रीदते हैं। और मारुति में देखेंगे तो जितने भी VXI मॉडल आते हैं, चाहे आप ब्रेजा में देख लीजिए, स्विफ्ट में देख लीजिए, डिजायर, इको, एस्प्रेसो, सभी गाड़ियों में VXI मॉडल को सबसे वैल्यू फॉर मनी बनाया गया है। इसमें आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और अभी इस गाड़ी में सेफ्टी भी अच्छी मिल जाती है, 6 एयरबैग बेस मॉडल से ही दे दिए गए हैं। और इस गाड़ी का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है इस गाड़ी का। और इसमें आपको अंदर इंटीरियर भी पूरी तरह से नया कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे इस गाड़ी की, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है, ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में कितने KMPL का माइलेज देती है, और आप कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ऊपर लोगो मिल जाता है क्रोम का, यहाँ पे ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है और चारों तरफ ब्लैक कलर का यूज किया गया है। सामने से पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बेहतरीन लगता है। यहाँ पे बम्पर देखेंगे तो मैट ब्लैक कलर पे है। एक बार आप पूरा डिज़ाइन देख लीजिए, दो हॉर्न मिल जाते हैं इसमें सामने। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर का यूज किया गया है। नीचे यहाँ पर ये DRL नहीं है, लेकिन DRL जैसा ही दिखता है। ऊपर वाले मॉडल में DRL भी मिल जाता है। नीचे इंडिकेटर और पायलट लैंप मिल जाती है। पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो एकदम नया वाला डिज़ाइन है, पुराना वाला डिज़ाइन नहीं है ये, पूरी तरह से नई गाड़ी है। नीचे फॉग लाइट नहीं मिलती, लेकिन ये एसेसरीज का पार्ट है, लगाया गया है। और अगर आप चाहते हैं तो चारों तरफ क्रोम भी लगवा सकते हैं, इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। बोनट भी देखेंगे तो अच्छा है, पूरा ग्लास एरिया देख लीजिए, दो वाइपर और दो वॉफर मिल जाते हैं। गाड़ी की छत देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है, कोई भी आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलती इस गाड़ी में। एक बार आप पूरा साइड से डिज़ाइन देख लीजिए, कुछ इस टाइप से पूरा डिज़ाइन है, देखने में बहुत बढ़िया लगती है। गाड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, पूरी तरह से स्पोर्टी टाइप से बनाया गया है। और ये कलर देखेंगे तो ब्लू कलर है, देखने में और बेहतरीन लग रहा है। अब चलिए एक बार हम टायर प्रोफाइल देख लेते हैं। यहाँ पे ये व्हील कवर के साथ आता है, स्टील रिम दिया है, MRF का टायर है, 14 इंच का 165/80R 14 इंच का टायर है। आगे दोनों टायर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ORVM बॉडी कलर में दिया है। यहीं पे LED इंडिकेटर मिल जाता है। पूरा विंडो एरिया भी देखेंगे तो बड़े साइज का है। और बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो डोर मोल्डिंग लगी हुई है, ये एसेसरीज का पार्ट है। डोर हैंडल का डिज़ाइन भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। पहले मारुति स्विफ्ट में ऊपर दिया रहता था, लेकिन अभी नीचे ही कर दिया है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे वाले टायर में, दोनों टायर में ड्रम ब्रेक है, आगे दोनों टायर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब एक बार इस गाड़ी का पूरा पीछे का डिज़ाइन देख लीजिए आप, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो ये वाली गाड़ी बहुत बेहतरीन लग रही है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी गाड़ी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पूरा टेल लैंप यूनिट तो LED का ही यूज किया गया है, हाइलोजन बल्ब आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये चीज़ें जब ऑन रहती है ना, तो रात के टाइम में बहुत बेहतरीन लगती हैं। यहीं पे रिवर्स पार्किंग लैंप, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और दोनों साइड का डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। सराउंडिंग में पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया है। यहाँ पर लोगो मिल जाता है, स्विफ्ट की बैजिंग है, ये सभी चीज़ें क्रोम पर दी गई हैं। इधर 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, 37 लीटर का। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है, डीजल और CNG में नहीं आती है, केवल पेट्रोल में आती है। पीछे का ग्लास देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉगर मिल जाता है और वाइपर वॉफर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इस मॉडल में, VXI मॉडल में, कोई भी पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। और 163 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, आप ख़राब रास्ते में भी गाड़ी को आसानी से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये गाड़ी आपने देखी होगी, बहुत लोग ख़रीदते हैं, गांव में ख़रीदते हैं, सिटी में भी ख़रीदते हैं। बूट ओपन करके देखेंगे तो ऊपर अच्छी तरह से कवर किया गया है। एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है VXI मॉडल में। पूरा यहाँ पे बूट स्पेस दिया है, अच्छा काफ़ा बूट स्पेस भी मिल जाता है, 265 लीटर का है। नीचे ये स्टेपनी रखी हुई है, इसका स्पेयर व्हील। अगर आप और भी ज़्यादा बूट बढ़ाना चाहते हैं तो सीट को पूरा फोल्ड कर सकते हैं, पीछे वाली सीट को आप पूरा फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद भरपूर सामान रख सकते हैं, अच्छी जगह बन जाती है।
अब एक बार ड्राइवर साइड का बाद में देख लेंगे, एक बार पैसेंजर साइड का ओपन करके देख लेते हैं पहले। यहाँ पे डोर की ओपनिंग भी देखेंगे तो अच्छी है, गाड़ी के अंदर चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा यहाँ पे कलर देखेंगे तो ब्लैक कलर ही है, ओपनर क्रोम पे मिल जाता है, पावर विंडो का बटन है। यहाँ पे पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है, हाफ लीटर की बॉटल रख सकते हैं और स्पीकर मिल जाता है। अंदर का पूरा इंटीरियर आप एक बार देख लीजिए, ये गाड़ी बहुत बेहतरीन है। पूरा डिज़ाइन देख लीजिए, माइलेज देख लीजिए, इंटीरियर एक्सटीरियर सभी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे आपको फिक्स वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये सीट कवर लगा हुआ है, ये इसे फ्रीज का पार्ट है। सीट आपको बहुत बेहतरीन मिलती है, तीन लोग पीछे आराम से बैठ जाते हैं। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको बता देता हूँ पूरी तरह से कि कितना स्पेस मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो लेग रूम अच्छा मिल जाता है, नी रूम भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2450 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। बीच में हम्प देखेंगे तो छोटू सा हम्प है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर फोल्डेबल वाले ग्रैब हैंडल दिए हैं, पीछे कोई एसी वगैरह नहीं मिलता। दोनों साइड के डोर का डिज़ाइन देखेंगे तो सेम टू सेम है। पीछे से देखेंगे तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, चीज़ें देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं। और यहाँ पे पीछे एसी होता थोड़ा सा और मज़ा आ जाता, लेकिन एसी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये VXi मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल। अगर आप ऊपर वाले मॉडल में जाते हैं तो एसी वगैरह भी मिल जाता है। अब चलिए ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप चाबी लगा के इसको लॉक भी कर सकते हैं। डोर ट्रिम देखेंगे तो पीछे वाले डोर की तरह ही है, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं है। डोर की ओपनिंग भी अच्छी है, अच्छी से ओपन हो जाती है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ब्लैक कलर ही है, यहाँ पे ओपनर मिल जाता है, यहाँ पे सभी कंट्रोल मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ORVM को एडजस्ट करने के लिए चारों पावर विंडो के, यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है कि फैब्रिक का यूज किया गया है आर्मरेस्ट पे। नीचे एक लीटर की बॉटल रख सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान और भी रख सकते हैं और स्पीकर मिल जाता है। पूरा अंदर का इंटीरियर का डिज़ाइन आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया है, सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आगे वाले सीट पूरी तरह से फैब्रिक में है, कंफर्ट आपको अच्छे लेवल का मिल जाएगा। इसको आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, और सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। पहले लोग बोलते थे कि मारुति स्विफ्ट बहुत बेकार गाड़ी है, सेफ्टी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन 6 एयरबैग अभी बेस मॉडल पे दे दिए हैं। यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल है, फॉग लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन है और हेड लैम्प के लेवल को सेट करने के लिए। यहाँ पे आप की इंसर्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे सिर्फ दो पैडल मिलते हैं, ये ऑटोमेटिक वाला मॉडल है, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। साइड में पैडल है, यहाँ से आप बोनट और फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक से मैनुअल पे जाते हैं और मैनुअल से ऑटोमेटिक में जाते हैं तो लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये का डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। एक बार मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। पूरा स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है, डी कट पे दिया है, फ्लैट बॉटम वाला है, ये कवर लगा हुआ है, इससे फ्रीज का पार्ट है, बीच में लोगो मिल जाता है, दोनों साइड हॉर्न दिया है, नीचे एयरबैग की बैजिंग है, इधर साइड म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है और नीचे फ़ोन उठाने काटने और वॉइस कमांड का कंट्रोल दिया है। ये सभी चीज़ें बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट की बात करें तो आप इसको टिल्ट कर सकते हैं और इधर वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है और इधर देखेंगे तो हेड लैम्प और इंडिकेटर का कंट्रोल दिया है। सामने सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बीच में डिजिटल MID मिल जाती है, इसमें आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सेंटर कंसोल देखेंगे तो यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आता है। नीचे AC वेंट दिए हैं, बीच में हजार्ड बटन मिल जाता है, इसमें आपको सिर्फ 4 स्पीकर मिलते हैं चारों ही डोर पे। VXi मॉडल में मैनुअल AC दिए हैं और कूलिंग इसकी बहुत बढ़िया है। नीचे USB और साइड में AUX का सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, आप मोबाइल रख सकते हैं, 2 कप होल्डर के लिए जगह है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको LXi छोड़ के, बेस मॉडल को छोड़ के, ऊपर के सभी मॉडल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है। नीचे क्रोम की टिप के साथ हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे बॉटल रख सकते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। ऊपर IRVM है, ये मैनुअल वाला है। कैबिन लाइट मिल जाती है हाइड्रोजन पे, माइक्रोफोन दिया है बातचीत करने के लिए। ड्राइवर के ऊपर देखेंगे तो टिकट होल्डर मिल जाता है और को ड्राइवर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दिया है। साइड में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है,
ये गाड़ी अभी सिर्फ पेट्रोल में आती है, सीएनजी में नहीं आती, और मुझे लगता है कि ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 26 किलोमीटर पर लीटर का ये गाड़ी माइलेज देती है, बहुत अच्छी बात है। और ये जिनको माइलेज पसंद है, गाड़ी फैमिली के लिए अच्छी चाहिए थी, ये गाड़ी उन्हीं के लिए बनाई गई है। पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है, नीचे डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, इसमें भी अच्छी खासी जगह है। अब एक बार हम इसके सेफ्टी की बात कर लेते हैं। टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS प्लस EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सभी सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। आप समझ लीजिए कि सेफ्टी में जो भी ज़रूरी होती है ना, ये सभी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं, तमाम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन और माइलेज की, और उसके बाद इसकी कीमत की। इसमें आपको 1197 cc का Z12 AE सीरीज का इंजन मिल जाता है, जो 5 स्पीड की मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, और इसमें आपको 80 BHP की मैक्सिमम पावर और 111 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। ये 3 सिलेंडर इंजन है और इससे आपको 25-26 किलोमीटर की माइलेज भी मिल जाती है। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। गाड़ी की टॉप स्पीड है 165 किलोमीटर, कर्व वेट है 920 kg, 265 लीटर बूट स्पेस है, 3860 mm गाड़ी की लंबाई है, 1735 mm चौड़ाई है, 37 लीटर का फ्यूल टैंक है और लगभग 26 KMPL का माइलेज देती है। अब बात कर लेते हैं हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi मॉडल के कीमत की। इसकी एक शोरूम प्राइस है 7,30,000 रुपये और ये ऑन रोड आपको लगभग 8,30,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप इसका ऑटोमेटिक वाला मॉडल लेना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग 50,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो वो आपको लगभग 8,80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।